साल 7 प्रमुख पार्टियों को हुई 4,758 करोड़ रुपए की आय, 76% अकेले भाजपा की। कोरोना से लड़ाई में रिलायंस भी बनाएगी कोरोना टीका, पहले मानव परीक्षण के लिए मिली अनुमति। शाहजहांपुर में रोज 3,000 से 4,000 लोगों की जा रही है कोरोना जांच, रिपोर्ट आ रही है शून्य, शाहजहांपुर वालों के लिए अच्छी खबर। पश्चिमी यूपी में वायरल फीवर के मामले बढ़े, नोएडा में जारी हुआ अलर्ट, स्वास्थ्य कर्मचारियों को बीमार लोगों पर ध्यान देने के दिए गए निर्देश। काबुल हवाई अड्डे को वापस अफगानिस्तान के लोगों को सौंपेगा अमेरिका, तालिबान ने एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को किया नियंत्रित। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन से कहा, अमेरिका सबसे खराब स्थिति में। काबुल से आज 4,000 अमेरिकी और खास लोग पहुंचेंगे पाकिस्तान, सरकार ने उनके लिए जारी किया 21 दिन का ट्रांजिट वीजा। भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा की, संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा ने बनाए 27 प्रकोष्ठ। 2.5 अरब की पेपर मिल 44 करोड़ में बेचने की तैयारी, रायबरेली के औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर है मिल। 12वीं के बाद गरीब छात्रों को समय पर मिलेंगे छात्रवृत्ति के पैसे, पोर्टल बना, बिहार सरकार ने राह की आसान। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार से दिल्ली में खराब हो रहेगा मौसम, केरल में भी बारिश होने की आशंका। सरकारी राशन का फायदा उठाने वाले लखपति किसानों पर होगी कार्रवाई, खाद आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच अचानक पूर्व सीएम भट्टल से मिलने पहुंचे कैप्टन, गले मिलने के बाद हुई चाय पर चर्चाएं। सुपर पावर की रेस, राजनाथ सिंह ने कहा, उन्नत तकनीक हासिल किए बिना भारत महाशक्ति नहीं बन सकता। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के नेतृत्व में कहा, मुझे फैसले करने की दे आजादी, नहीं तो वह देंगे मुंहतोड़ जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले दलित पिछड़े मुस्लिम गठजोड़ पर चर्चाएं हुई तेज, ओबीसी व राजभर के साथ दिखे चंद्रशेखर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर जारी की एडवाइजरी, कहा काबुल एयरपोर्ट मत जाओ, तुरंत छोड़ दो इलाका। पर्यटन को बढ़ावा, काशी से चुनार के बीच 5 सितंबर से चलेगा क्रूज, सप्ताह में एक दिन होगा संचालन। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग, किसानों ने किया 25 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान। प्रतापगढ़ में हंगामे के बीच 62,270 लोगों को लगा कोरोना का टीका, रानीगंज ड्रामा सेंटर पर हुआ जमकर बवाल, बुलाई गई फोर्स। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।